सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक के बारे में सो गाइस आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक में अगर देखा जाए तो स्टॉक में टारगेट डबल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर वन की जो अर्निंग इसकी रही है काफ़ी शानदार है और यहाँ पर रिजल्ट्स की ही बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर अगर देखें तो लेवल यहाँ पर शानदार नज़र आ रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में तो बड़े मोमेंटम के साथ इसमें इन्वेस्टिंग आ सकती है हेवी वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ सकता है तो यहाँ पर इसके लेवल्स को हम देखेंगे और साथ ही इसके रिज़ल्ट को भी हम देखने वाले हैं तो वैसे इस वीडियो में आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक को लेकर काफ़ी कुछ बातें होंगी तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देख लेते हैं और वही अगर देखा जाए तो स्टॉक में यहाँ पर जो इसका नेट प्रॉफ़िट देखने को हमें मिल रहा है वो शानदार है यहाँ पर अगर बात करें नेट प्रॉफ़िट की तो यहाँ पर चार सौ यहाँ पर फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर करोड़ के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यही में देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में तो इसे लॉस हुआ था छः सौ तीस करोड़ तक का लॉस हुआ था और अभी की बात करें चार सौ चौहत्तर करोड़ का जो प्रॉफ़िट है यही से अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि यहाँ पर जिस तरीके से बैंक आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है बिल्कुल स्टॉक में एक बड़ी बढ़त आएगी और वही अगर बात करें एन की बात करें यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स परसेंट यहाँ पर अप साइड की ओर गई है और बिल्कुल दो हज़ार सात सौ इक्यावन करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी इम्प्रूव हुआ है तो यहाँ पर फाइव पॉइंट एटी नाइन परसेंट वही अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर में ये था फाइव पॉइंट फिफ्टी परसेंट वही बात कर लेते गए जो अदर इनकम्स हैं वो भी हंड्रेड परसेंट यहाँ पर ग्रो किया है बिल्कुल बड बड़ी है तो यहाँ पर जो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉफिट है हर चीज़ यहाँ पर बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ले लो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ले लो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफ़िट तगड़े तरीके से बढ़ा है तो गैस यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि ये स्टॉक आगे और भी ज़्यादा तगड़े तरीके से मोमेंटम करेगा क्योंकि इसके लेवल्स अगर आप देखोगे तो गैस लेवल्स यहाँ पर शानदार है आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक में अगर देखें तो यहाँ पर बिल्कुल स्टॉक साइड साइडवेज गया था यहाँ पर से स्टॉक में ब्रेकआउट मिला फिर स्टॉक ऊपर गया ब्रेकआउट लेके और यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट लेके एक अच्छा जंप स्टॉक में आने वाला है और वही अगर देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पर एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है सिक्सटी नाइन रुपीज़ के अराउंड का टारगेट हम इसमें रख रहे हैं यहाँ से स्टॉक में गिरावट नज़र आई थी यहाँ से स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया था फिर स्टॉक यहाँ से गिरा फिर स्टॉक ने सपोर्ट लिया फिर यहाँ से गिरा फिर सपोर्ट लिया तो यहाँ पे जो अपसाइड एड डाउंस मोमेंट आपको देखने को मिल रहे काफ़ी ज़्यादा शानदार है वही अगर गैस बात कर ले तो यहाँ पे स्टॉक में एक ब्रेकआउट मिल सकता है कल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो स्टॉक में तगड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी और सिक्सटी नाइन रुपीज़ के अराउंड का टारगेट हम यहाँ पर रख रहे हैं और बिल्कुल ये टारगेट अचीव हो सकता है और इससे भी ऊपर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये टारगेट अचीव होगा ही होगा यहाँ से साइडवेज ये स्टॉक जाएगा ही जाएगा बट एज अ लॉन्ग टर्म के बेसिस पे वन मंथ के टाइम फ्रेम पर एटी रुपीज़ के अराउंड भी ये शेयर जा सकता है इजी तरीके से रिटर्न दे सकता है यहाँ से स्टॉक में सपोर्ट था फिर स्टॉक ऊपर गया रिजेक्शन लेके नीचे आया फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया फिर नीचे आ रहा है फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे स्टॉक सीधा बड़े मोमेंटम यहाँ पर शिफ्ट हो सकते है गाइस कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के आंकड़े अगर आप देखोगे तो 100 परसेंट पॉजिटिव है वही बात करें तो वॉल्यूम तगड़ा है यहाँ पर थ्री करोड़ के आसपास की डिलीवरीज उठाई गई थी एस्टर्डे में भी थ्री करोड़ के अराउंड की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन अगर बात कर ले तो एक करोड़ के अराउंड यहाँ पर स्टॉक में कॉम्बिनेंट डिलीवरी देखने को मिलेगी स्टॉक का फिफ्टी वीक्स का हाई फिफ्टी थ्री के अराउंड है बिल्कुल अचीव होगा होगा वही मार्केट कैप भी इस शेयर का शानदार है ट्वेंटी नाइन पॉइंट थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ का वही बात कर ले तो स्टॉक ने लास्ट टाइम क्लोजिंग कहाँ पे दी थी तो यहाँ पर देख सकते हो सैंतीस रुपये पचपन पैसे के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी जीरो पॉइंट पचानवे पैसे तक की बढ़त थी इस शेयर में टू पॉइंट सिक्सटी परसेंट के हिसाब से ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है तो कैसे यहाँ पर आने वाले टाइम में स्टॉक बिल्कुल धमाका करने वाला है ब्रेकआउट मिलते ही आप बाय कर सकते हो वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू